एफसीएल लुडारिया का आज का एपिसोड बहुत ही खास रहा, क्योंकि इस बार तेजो ने इनडायरेक्टली फतेह से उसके धोखे के बारे में बात कर ही ली। तेजो ने साफ पूछ लिया, आज मैं जिस पार्टी में गई थी वहाँ एक बंदा आया था जो कि बेवफा था, अपनी पत्नी को छोड़कर आया था और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी बना रहा था। बहुत कुछ तेजो कहती है। तेजो की बातों को सुनकर फतेह को लगता है कि आखिर तेजो को क्या हो गया है। तेजो बहुत परेशान है, तेजो को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन अंत में उसे समझ में आ जाता है कि दूसरों की चीज़ को अपने पास नहीं रखते हैं। और ऐसे में आपको बताते चलिए कि तेजो जो है वो अपना सारा सामान पैक कर चुकी है, सब कुछ उसने इस सूटकेस में डाल लिया है और अब वो एक फैसला लेने वाली है, एक ऐसा फैसला जो दोनों फैमिलियों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। कहने का मतलब है फतेह और तेजो। अब यहाँ पर तेजो ने जैस्मीन को भी फ़ोन किया है और फतेह को भी फ़ोन किया है, दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। जी हाँ, दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। और अब आप देखने वाले हैं कि इन दोनों को तेजो बुला तो ज़रूर लेगी, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ पहुँचेंगे और इनके धोखे की कहानी तेजो इनके सामने रख देगी। वो रिकॉर्डिंग सुना देगी जिसमें फतेह जैस्मीन को आई लव यू कह रहा है और मेरी बीबी है बीबी कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर जो तेजो है वो गेम तो खेलेगी ही खेलेगी, जहाँ वो ये बात कहेगी कि तुम लोगों को सच सच बोलना होगा, कोई यहाँ पर कोई गोली नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि प्रीकैप ट्विस्ट में दिखाया गया है, ऐसा नहीं होगा, तेजो किसी को गोली नहीं मारने वाली है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो सिर्फ सच उगलवाना चाहती है। अब देखना दिलचस्प हो गया है, जब फतेह और जैस्मीन को ये बात मालूम चल गई है कि तेजो को सब कुछ मालूम चल गया है, तो वो अब आगे क्या बताते हैं। यहाँ पर तेजो तो घर ज़रूर छोड़ देगी, लेकिन यहाँ पर फतेह सबके सामने यही बात कहेगा कि तेजो भी बेवफा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प है कि तेजो और बूजो के बीच में क्या रिश्ता है, ये कैसे और कब सामने आता है।